मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह, तेरा खावां मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। जगाओ भाग मेरे भी अबू अय्यूब दे वांगू, मुकद्दर ओ सदा कित्थों लयावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावां मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह। हलीमा कुल नोवे के कदी सरकार नोवे के, हलीमा कदी सरकार नोवे के, मैं केड़ी से जे तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, मैं केड़ी से जे तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तो बड़ी दूर आयो माशाल्लाह, अल्लाह ताला दी हम दो सना सुबाद हदीया दरूद व सलाम हदीया नात बारगाह खैरुल अनाम सैयद सरवरां इनक पिछ ठीक है सैयद इंसो जहां राहत कुलूब आशिकान गम गुसारे दो जहां अजूर कायदुल मुरसलीन खातमुन नबीशीन जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुजूर अर्ज करने तो बाद मेरे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन हजरात, आज दिए रूहानी विजदानी इरफानी ईमानी इकानी महफिल पाक जो कि सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एकाद पज़ीर हुंदी है, हसबे मामूल बिलाल अहमद कादरी इन दी हमशीरा मरहूमा मगफूरा दे साले सवाब वास्ते सजाई जांदी और इंतहाई खुशबख्ती है उस मरहूमा दी कि जिदे इसाले सवाब वास्ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बज़म सजाई जांदी। ए मुकद्दरां दी बात हुंदी है, अल्लाह ताला सईदा कायनात दी चादर तत्हीर दा सदका मरहूमा दी बख्शिश फरमाए, करवट करवट आराम और राहत नसीब फरमाए। अल्लाह सईदा कायनात दी चादर तत्हीर दा सदका हर दी बहन नूं इज्जत व आबरू वाली इसमत वाली बावकार बाइज्जत जिंदगी अता फरमाए और सानू सारे जिन्ना जिन्ना अल्लाह ताला बेटियां अता फरमाइया ने उन्हां दी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, जिन्हां दे घर विच ने उन्हां नूं भी अपनियां अजवाज दी अल्लाह कदर नसीब फरमाए।
मैं आप अहबाब के सामने जो आया मुकदसा पढ़ने का शरफ हासिल किया है। रब तआला ने फरमाया वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलु, ऐ काश के ये राजी हो जाते उहदे उत्ते जिहड़ा इन्हां अल्लाह ते उहदे रसूल ने अता फरमाया। अल्लाह भी अता फरमांदा ते अल्लाह दा रसूल भी अता फरमांदा, ये कुरान दी आयत है। वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलु, ऐ काश के ये राजी हो जाते जिन्हां ने अल्लाह भी अता करदा ते अल्लाह दा रसूल भी अदा करदा, उहदे उत्ते राजी हो जाते जिहड़ा अल्लाह ते उहदे रसूल ने इन्हां नूं अता फरमाया। इन्हां दा जिहड़ा इशारा है ना, ये किन्ना दी तरफ है, किन्ना नूं कुरान फरमा रहा है, ऐ काश के ये राजी हो जाते। सहाबा तो राजी राजी है, ठीक है, जेडे राजी होए ने वो तो हदीसा भरिया पढ़िया उन्हें किंज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक्दस तो खैरात जिन्हों मिली है। वेखो चौदह सदियां बाद असी हजूर दा सदका खांदे पए हां ते असी हजूर दे जशन मनांदे पए हां। अजब बात तो यह वे कि जिन्हां सहाबा नूं हर कैनात दी खुशी हर नेमत सरकार दा सदका लाइव और डायरेक्ट नसीब हो, ये अंदाजा करो ओ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खुशी किस अंदाज नाल मनांदे हो। 1444 हिजरी लगी ते असी अज इन्नियां सदियां बाद भी इस गल दा कुरान पढ़ के कि सानू अल्लाह ते ओदे रसूल ने अता फरमाया, असी अल्लाह ते उस रसूल दी अता दे उत्ते खुश हो के मदीने वाले दा मिलाद पे करने आ। अजब बात है वे, असी 14 सदियां बाद कुरान पढ़ के सानू इन्नी को सूझ बूझ समझ आ गई है वे अल्लाह अपने फजल और करम नाल अपने महबूब दा सदका अता फरमाए ते जशन मनाना चाहिए है, सोने दे नाम ते लंगर पकाना चाहिए है, सोने दा मिलाद करवाना चाहिए है। अजब बात है वे, जिन्हां दे सामने कुरान नासल हुंदा रहा है जेडे डायरेक्ट मुस्तफा को पढ़ते रहे ने उन्हां कुरान नूं समझिया भी करोड़ा दर्जे साढ़े नूं बेहतरीन अंदाज दे नाल है, जिन्हां दा तज़किया नफ्स भी सरकारे दो आलम ने किया है, जिन्हां नूं पढ़ाया मुअल्लिमे कायनात ने वे। क्या ओ सहाबा अल्लाह ते ओदे रसूल दी अता उत्ते राजी होके सरकार दा कितना कोई जशन मनांदे होणगे। ई जिहड़ा कुरान इशारा फरमाया ना, ऐ काश कि ए राजी हो जांदे, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ दी शाने नज़ूल च लिखी है। शाने नज़ूल आया मुकद्दसा दा कि नबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हदीस पाक दे रावी ने, आप बयान फरमांदे ने के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत इकट्ठा होया, आप अलैहिस्सलाम तकसीम फरमान वास्ते बैठे, तो आपने तकसीम फरमाया, सामने आने दिता, सज्जे आने दिता, खब्बे आने दिता, तो एक जना जिहड़ा ना वो पिछले कंड वाले पासे पीछा बैठा से, उहनू उस थोड़ी देर इंतजार किया, उलिया बजाय रोंदा भी मुसलमाना वाले आ, थोड़ी देर तुसीं इंतजार किया पर जदों ना लब्भा ना तो वह बोल पिया, आंदा कि अली याज़ु बिल्लाह तआला कि तुसी ए मुहम्मद इंसाफ नहीं पे करदे। आखो अस्तगफिरुल्लाह, हर जगह सुभान अल्लाह आखण वाली नहीं हुंदी, ठीक है, अली याज़ु बिल्लाह तआला ऐठा बदबख्त इंसान है, कलमा उस भी पढ़िया निशानियां में हदीस पढ़ के तुहानूं दसनी आ वे उहदा हुलिया किंजदा ते निशानियां की आईयां ते कलमा वह भी पढ़दा ते वह आ के हजूर दे साहबा मुअद्दब तरीके नाल पे वसूल करदे ने ते ओ पिछू आया है ते खलोता भी कंड मगर है, जिन नाल मुस्तफा दी कंड होई है ओ नाल अज भी मुस्तफा दी कंड ही है, ओ पिटदे वदे ने बेचारे, अल्लाह देता है जो कुछ देता है, अल्लाह ही देता है जो कुछ देता है, अल्लाह ही देता है जो कुछ देता है, अल्लाह ही देता है, मुस्तफा से मांगो तो शिर्क हो जाता है। ये अजे तक पिटदे पए ने, ये जिहड़ी ज़ुर्रियत है ना मानवी औलाद उस दी ज़ुल्खवैसरा दी, तो वह अजे तक पिटदी पई, उहदा नाम ज़ुल्खवैसरा सी, तो उहनूं थोड़ी देर वेट करन तों बाद जदों ना मिलिया तो आंदा है कि ए दिली या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इंसाफ करो, तुसी इंसाफ नहीं पे करदे, अंदाजा करो कोई साहिबे शऊर अकलो दानश रखने वाला बंदा कलमा हुजूर दा पढ़िया होवे क्या सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे इहो जी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकदा है, जुबान इस्तेमाल कर सकदा है, बहादुर इस्लाम तबलीग पे करदा है।
हजूर अलैहिस्सलाम नू तबलीग पे करता है कि तुसी इंसाफ नहीं पे करते। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ जालिम कद खिबता व खसरता, सही बुखारी शरीफ है, कद खिबता व खसरता, तू तबाह हो बर्बाद हो जाए जे दुनिया ते मैं मोहम्मद ना इंसाफ करा, ते कौन जमिया में मोहम्मद तो वध के इंसाफ करने वाला। मैं तो दुनिया नू इंसाफ का दर्स देना आया, मैं ही नहीं इंसाफ करांगा तो फिर इंसाफ करेगा कौन? आपने फरमाया कद खिबता व खसरता, हुज़ूर रहमतुल्लिल आलमीन ने पूरी कायनात वास्ते, लेकिन ए बदबख्त इंसान जिहड़ा जिहड़ा कंड पिछे खलोता है ना, इहदे वास्ते हुज़ूर ने फरमाया कद खिबता व खसरता। हालांकि उम्मत वास्ते नबी अलैहिस्सलाम ने जिहड़े सही ईमान वाले लोग ने, हुज़ूर अलैहिस्सलाम दी हदीस है, आपने दुआ मंगी है कि या अल्लाह अगर मेरे सामने कोई बंदा गलती करे, मेरा गुलाम गलती करे, तो मैं उन्हें डांट भी दियां, तो मेरी डांट नू मेरी उम्मत वास्ते रहमत बना दे। हाँ, सच्चे मुसलमानों वास्ते जोर दी हदीस है कि अगर मैं बात कादा बशरियत इन किसी वजह तो कोई डांट भी दिया ना सहाबा इकराम, गलती दा पुतला इंसान अगर गलती हो जाए तो मैं डांट भी दिया, तो मेरी डांट इन वास्ते डांट ना रान दें, बल्कि मेरी डांट भी इन वास्ते रहमत बना दें। लेकिन ऐ कैसा बदबख्त है जिन्हें वास्ते जोर फरमा रहे, कद खिबता व खसरता, तू तबाह हो बर्बाद हो जाए, जो इन्नी गल की ते नाली फिर आशक बैठे ना, फकाम उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक खलो गए, ए दिली या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका इजाजत होवे इस बदबख्त नू दसा ना कि इस बारगाह खलो के कलाम किवें करीदा है, इत्थे आके बोली दा किंजे, ओ बज़ाहिर हुलिया हुंदा भी मुसलमाना वाले सी, लेकिन उसने गुस्ताखी और बेअदबी की, तो हजरत उमर फारूक ने तलवार खिंच ली, फरमाया कमली वाले आ असी ते उन्हां दीआं गल्लां नहीं सुनियां मक्के वाले दीआं, ये मदीने विच बैठ के इहो जी गुस्ताखी पिया करदा है, मस्जिद नबवी शरीफ दे विच बैठ के आपने तलवार खिंच ली, फरमाया जालमा तेरी गर्दन ना उतार देवा, नबी अलैहिस्सलाम को इजाजत मंगी, या रसूलल्लाह इजाजत होवे ते गर्दन उतार देवा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उमर दा हो या उमर, ए उमर ठहर जा, जे इनू इत्थे ही मार छड़ी ते पिछू गाजी इल्मुद्दीन जैसे पुत्र किवें पैदा होणगे, इंदा सिर अजे ना लाई अजे रान दें, जे आशकां दे इम्तिहान बाकी ने, पिछे आशक भी त्याने ना, वो आपे गाटे लान दे रहा दे इन्हां दे, आपने मना फरमाया, आपने फरमाया ठहर जा, अजे इहदी नस्ल अगे चलेगी, फरमाया इहदी नस्ल अगां चलेगी, और जिहड़ा वह बंदा खलोता है ते आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यहकिरु अहदहु सलातहु मा सलातिहिम وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَابِسُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ السَّهْمِ كَمَا يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ। आप अलैहि सलाम ने फरमाया ए बदबخت लोग ए दीन विच्चों इंज निकल जाणगे जिवें तीर कमान विच्चों निकल जांदा है, फरमाया नमाज़ां बड़ियां पढ़नगे, इतनियां नमाज़ां पढ़नगे कि तुसी अपनियां नमाज़ां इन्हां दे मुकाबले च हकीर समझोगे, रोज़े इतने नफली भी रखणगे कि तुसी रोज़े हकीर समझोगे, कुरान गल गल नाल पढ़नगे, लेकिन कुरान इन्हां दे हलक तो थले उतरेगा नहीं। आप अलैहि सलातो सलाम हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने कि सहाबा इकराम पूछा अच्छा वो जरा बंदा ये गल्ला करता पिया सी उदा हुलिया किंजदा सी उदी शक्लो सूरत किस तरह की, कुर्बान जाइए सहाबा तू उन एक एक गल चंगी टिका के बयान की थी, बस कोई शक डाउट वाह वाली गल ना रह जाए, हुण हुलिया मैं बयान करन लगा इस बस बख्त दा बेईमान दा, ते तुसां इहनूं पका के रखना है, ते सज्जे कब्बे ध्यान भी रख्या करो, इहदे हुलिये वाले अजे भी बोंदे पए ने, ते ओह अजे ये पिटदे वधे ने, जो देता है अल्लाह ही देता है, जो देता है अल्लाह ही देता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमांदे ने ऐनैन वजनतैन कस्सुल लिहयति व मुशम्मिरुल इदार व महलूक रास, आप फरमांदे जेड़ा बदबख्त मुस्तफा दे सामने खड़े होके ये बकवास पिया करदा है उसका हुलिया ये है ऐनैन वजनतैन कस्सुल लिहया, अखां अंदर नु वड़ियां ऐ मत्था बाहर नु निकलिया होया उभरिया होया मत्था है व महलूक रास हर वक्त टिंड करा के रखदा है व मुशम्मिरुल इजार, आप फरमांदे जेड़ी तह बंदे ऐ शलवार चंगी उतां टुंग के रखदा है गिटियां तक ते उतां रखनी सुन्नत है अगर गोडियां तक चुक के रखदा है
और महलूक रास हर वक्त टेंड करा के रख दे। आप फरमा देने वो मुशम्मिरुल एजार शलवारा उतान चुक के रख देन। मैं अपने कोलू गल नहीं पिया करदा, सही बुखारी शरीफ पिया पढ़ना, हदीस ना होवे ते मैं मुजरम हां। मेरे आका ने जड़ियां निशानियां बयान फरमाइयां ने, फरमाया कसुल लिहया, दाड़ियां लंबियां लंबियां ते घणियां दाड़ियां, लंबियां दाड़ियां ने, लंबियां दाड़ियां वाले वा महलूक रास हर वक्त टेंड करा के रख दे। ये उस बदबख्त दा हुलिया नबी पाक बयान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी पे बयान कर देने। आपने फरमाया लईना के आंदा है ए मुस्तफा इंसाफ नहीं पे कर दे। ते रब्बे जुल जलाल ने कुरान नाजल फरमाया, मेरे रब ने फरमाया वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुम अल्लाह व रसूल। कुरान सुन के आको वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुम अल्लाह व रसूल, बदबख्त राजी हो जांदे जिहड़ा इन्हां नूं अल्लाह ते ओहदे रसूल दी बारगाह विच्चों मिलिया है, ओहदे ते राजी हो जांदे ते आंदे अल्लाह दी कसम है साडे ते अल्लाह दा भी बहु फजल है ते रब दे रसूल दा भी फजल हो गया। ऐ काश के ए बेईमान ए आंदा बस साडे ते अल्लाह दा भी बड़ा फजल है ते अल्लाह दे रसूल दा भी बड़ा फजल है। कालू सयुक्तीन अल्लाह मिन फदलिही व रसूलिही, ए आंदा कि अन करीब साडे ते अल्लाह भी राजी हो जाए, साडे ते अल्लाह दा रसूल भी राजी हो जाए। जिन्ना आख्या 14 सदियां बाद भी आंदे पे ने, असी अज 14 सदियां बाद भी बह के आने पे। अल्लाह सोनिया साडे उत्ते तेरा भी फजल है, तेरे नबी दा भी फजल है, साडे उत्ते तेरी भी अता है ते तेरे सोने मुहम्मद दी भी अता है, साडे उत्ते तेरा भी फजल है ते तेरे नबी दी भी अता है। ते हुलिया वैसे होंदा तुसा सुन लिया है, अखां विच बड़ियां ने टेंड करा के रखदा है, दाढ़ी लंबी ते घनी है, शलवार चंगी उतांत करके रखदा है, जिवें निक्के भरा दी पाई होई है। ठीक है, इंज ही लगता है जिवें वो करमा वाले दा मेच ही आईंदा है, इंज ही लगता है वो खरे निक्के भरा दी पाई। ठीक है, मैं कि थोड़े फ्रैश भी हो जाओ, तुसीं इंज थोड़े परेशान बैठे। वो करमा वाला तुम सियाण दे रहिंदे हो, तुहानूं सारयां नूं पता है, वो इंज मंडी गीत आण लैंदे हो, बरादरियां दे रेस रौले आ ना, हुण ते तुसीं बड़े सिद्धे होए हो, तुहानूं पता सारयां नूं लगदा मैं सही बुखारी शरीफ पढ़दा पिया। ठीक है, नमाज़ा बड़ियां पढ़ंदे रोज़े बड़े रखणगे, लेकिन जे कमली वाले दे बेअदब ने ते मुड़ नमाज़ा रोज़े कम होणे। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हो। हूँ पिछा मूँह चल गया, आगे हूँ जा कोई तबेली पे आंदा, मैं कारी साहब आ गया टेल थोड़ा ला तो पिछा रहा, मैं इतने पर दल तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया। मोटिया मोटिया दाने वालिया तस्बियां लंबिया लंबिया रोली आंदे ने, रोली आंदे ने, बवाई आंदे ने, वाशरूम बह के भी तस्बीह रोली आंदे ने, गल्लां करदिया भी तस्बीह रोली आंदे ने, गल बंदियां नाल कलाम करदे थल्लो तस्बीह रोली आंदे ने। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की चिले कटे कुछ हासिल नहीं, ओ की लेना चिलिया वड़के की लेना चलिया वड़के हो। इलम पढ़िया
ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਬੜਾ ਪੜਨਗੇ ਹਦੀਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜਨਗੇ ਰੋਜ਼ੇ ਬੜੇ ਰੱਖਣਗੇ ਹੱਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਅਦਬ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਖਣ ਦੇ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ मुलाकात कारी साहब भी मैंने मुलाकात में मुझे ना भी और आप बोलो हदीस मेरी जुबान से आ गई हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी मुस्लिम शरीफ की हदीस पा के सफा नंबर 339 जिम्मेदार मैं हाँ मेरे आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलामा जिदकुम दुल्लालन फहदाकुम अल्लाहु भी ओ तुसी सारे दे सारे गुमराह साओ ए सारे नु ईमान मिले आए मैं मुहम्मद अरबी दा सदका रब ने अता हूं तो मैं पिछा होकर बोलते मैं टेल थोड़े ना बड़ा मैं पिला हूँ साउंड का मैं थोड़ा लवादा पाया वाहन फाग ना को मुला हो भी हूँ मेरा अपना पे लगता है वाह लतन फाग ना को मुला हो भी हूँ जिन्ना मैं पिना वो थोड़ा लाने पैने ही है ना वाह लतन फाग ना को मुला हो भी आपने फरमाया अरबियो सारे भुखे सौ और सारे मोहताज सौ अरब की तारीख का मुतालिया करके वेखो और दिया नू जिंदा दरगोर करन वाले हो बीमारियां दे शहर यसरब विच रहन वाले हो तुहाडे कोल ते कख भी ना लोकी मेहनत ते ताने मारदे सन अज बुलंदो बाला अज अरब अंदर जाके वेखो नजर मुक जांदी है पर कोठियां दियां मंजिलां नहीं मुकदियां ओ जालिमो मुस्तफा दा सदका अल्लाह ने अता फरमाया है मेरे कमली वाले ने फरमाया वालतन फअग्नाकुम अल्लाह भी ओ तुसी सारे दे सारे भुखे ते मोहताज सौ अल्लाह ने सारियां करम नवाजियां मैं मुहम्मद दा सदका फरमाया सारे दे सारे भुखे ते मोहताज सौ मैं मुहम्मद ने सारे मेरे मुहम्मद दा सदका मेरे कदमां दी तुफैल अल्लाह ने तुहानू बागो बहार अता फरमाई है ते जिन्ना नू मिले ओ भी ऐलान करदे ने पर मेरे मुस्तफा ने फरमाया है सिर्फ कुरान पढ़ी जानगे नमाज़ां पढ़ी जानगे पर मेरे बेअदब होए ते फिर यही हाल रहना है जड़ी मैं गल प्या करना इलम पढ़िया पर अदब ना सिखिया की लेना इलम पढ़ के इलम सारे ही पढ़िया मैं अगे जुमे च भी दसना इो मुस्लिम शरीफ मैं पढ़ीए इो बतेर होर ना मौलवियां भी पढ़ी आ हदीस तुसा कदें होर सुनी क्यों जे किसी सुनीए तो मैंने दस्या जे मैं जी पढ़ता पाया जे कदें होर सजों खबे में सुनी जे तो मुड़ दस्या जे ये हदीस तो मुस्लिम शरीफ के बिच ही है ना बार तो कोई नहीं पहली जी मैं पढ़ता पाया वह बुखारी शरीफ बच्चे मुस्लिम शरीफ भी है नसाई शरीफ भी है वे ठीक है तो यह दूजी जी उत्ते मैं पढ़ता पाया ना बै अदब वाली ये पे दसना बे सारा कुछ जिन्होंने मुस्तफा का सदका लफ्ज़ है वह यही ऐलान करते हैं वलो अन्ना मरदु मा आता हमुल्लाह व रसूलहु قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله او تے ہی اعلان کر دین ساڈے واسطے اللہ بھی کافی اللہ دا رسول بھی کافی ہے
और उस बेअदब ने जिन्हें सारा कुछ पढ़िया तो है वे पर उदे सीने उत्ते दिल उत्ते कड़क है ते नबी पाक नू प्यांदा कि तुसी इंसाफ नहीं पे करदे तो ये पता को नहीं लगता वे कित्थे की बोलना है ते की आखना है। बारगाहां दा अदब भी अल्लाह ताला उन्होंने नसीब फरमांदा है जिहड़ा अल्लाह दे वलियां विच कदमां विच बह के इलम पढ़दे। जिन्ना एक पासे इलम पढ़िया ते एक पासे तकब्बर दा बूटा उतां हुंदा रहा ना ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਵਜਾਤੇ ਮਿਆਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਗੜੇ ਮਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਮੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮਿਲਾਦ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮਿਲਾਦ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪੇ ਮਨਾਉਂਦਿਆ ਜਿੰਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਰਚਾਂ ਤੂੰ ਮਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਕਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ ਫਿਰ ਐਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਆ ਉਸ ਬਦਬਖਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਆਕੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਦਵਾਨੁਲਾਹ ਅਲੈ ਮਜਮਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਤੈਤੁਨ ਨਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਿਤਮਰਾਤਿਨ ਆਪ ਨੂੰ 21 ਖਜੂਰਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੋਹਫਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله فيهن بالبركه। ये दुनिया मौलवी हदीस पढ़े ना तो जो चौड़े हो गए साढ़े मौलवी नहीं पढ़ते कुरान हदीस ने पढ़ते कुरान हदीस ने ठीक है अल्लाह दे फजलो करम नाल इंज कुरान तो कह सकते ने पर इंज दी हदीस पढ़ दिया मैं कारी अल्ताफ वाला सियाल साहब तो और उन्होंने शगिर्दां तो बाद जा बाबा खादम रदवी हदीसा पढ़ता वे क्या ठीक है। मेरी जिंदगी अंदर है दो बंदे मैं बड़ा टूर कटिया अपने उस्तादां दे नाल तकरीबन पंजाब भर मैं फिरिया लेकिन अंज दी हदीस पढ़ दिया या बाबा खादम रजवी नूं वेख्या ते या कारी अल्ताफ वाला सियाल नूं वेख्या यहाँ जे उन्होंने पिछू चंडे ने हदीस पढ़ते हैं तो अल्लाह का फजल है। मैं हदीस पढ़ता पाया वेखो मैं पंजाबी गल करा उर्दू गल करा मियाँ साहब की जुबान है करा या सुल्तान बाहू की गल करा वो इन्हों की गल ने मेरी जुबान है अपनी लैंगुएज है पर जी अरबी की जुबान ने ना समझ तुम्हें नाम ही आवे ना तो चस जरूर लिया करो मेरे मुस्तफा की जुबान है। मैं हदीस पढ़न लगा अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم आप दे बारगाह दे अक्दस दे अंदर 21 खजूरां लेके आए 21 खजूरां किदे गिफ्ट होया तोहफा होया ते आंदे ने कम बन गए आए घर दे हालात बड़े माड़े सन फकुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउ अल्लाह फीहिन बिल बरका अर्ज करदे ने कमली वाले आ 21 खजूरां नसीब होईयां मैं तुहाडी बारगाह विच लेके आ गया एदे विच बरकत दी दुआ फरमा देवो। कमली वाले तुसी दुआ फरमा दोगे कम बन जाएगा मैं मस्कीन दे कख रह जाएंगे। कमली वाले आज दुनिया गरीबा नू जीन नहीं देंदी आज दुनिया खुशाला दुनिया ते गरीब भी कोई ना होवे इस जमाने विच ते शाला कोई भी ना होवे अल्लाह सोणिया मुस्तफा दे मिलाद दा सदका किसे नू गरीब ना करी अज ते बिरादरी मेणे मार मार के उस बंदे दा जीना हराम कर देंदी है अगर फौतगी ते रोटी तू घाटा वादा हो जाए तां गरीब दा जीना कोई नहीं बिचार कर्जा लेके एक बाप दे उत्ते 7-8 लाख रुपया 10 लाख रुपया ओ मां दे उत्ते बाप दे उत्ते खर्चा करदा इलाज मुआलजा करदा है उत्तू बरादरी दे मेणियां तू डरन वास्ते कर्जे चुक चुक के खत्म दिलांदा है ते मुख्तलिफ किस्म दियां आइटमां बरादरी वास्ते पकांदा है बरादरी फिर भी गरीब ते राजी कोई नहीं आदी है कि फलाना की कर दिता है सानू ए चीज नहीं आ नहीं मिली ए मेरे दोस्तों दीन दा हिस्सा नहीं सारियां चीजां खबरदार
जो कुछ भी मिले सबर शुक्र कीता करो, गरीब दी गुरबत दा मजाक ना उड़ाया करो। साला गरीब कोई ना होवे, हजरत अबू हुरैरा अर्ज करदे ने कमली वाले आ, गरीबा दा जीना कोई नहीं, ताड़ा जाना कुछ नहीं, अगर मेरे कोल कुछ ना होया बरादरी ते खानदान जेड़ा है मेहने मारेगा। ए मुस्तफा कमली वाले आ, तुहाडे हाथ उठ जाने ने मैं मस्कीन दा कम बन जाना है। ए इक ही खजूरां लैके आया, एदे विच बरकत दी दुआ ते फरमा दे। एक ही खजूरां हुजूर दी बारगाह च लैके आए, या रसूलल्लाह इन्हां दे बरकत दी दुआ फरमा दिओ। हुण अंदाजा करो एक ही खजूरां किन्नियां होणगियां, अजकल बच्चन दिओ इंज खा जाणगे। एक ही खजूरां जिहड़ा वह कम ही कोई नहीं, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा ने हजूर की बारगाह च जनाब इंज पेश कर दित्तियां। लो हुण वेख्या, यह भी सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पा के, बै आ बेली ऐ बेचारे 14 सदियां बाद भी लड़ी आने साढ़े नाल, नाले खाधी आने नाले लड़ी आने, सुद वाली गल है। बै अपनी बारी आने तू आने अगे रख के मंगना बिदा थे, ये कितने लिखा है? तो असी मंगी आने नाल नाल दबी भी आने, खाधी आने बेली। असं आने यार, वह आने असं खाते नहीं, तो मैं यार खाते हो तो खुआन की बारी, अपनी अम्मा की बारी आँदे हो? नहीं नहीं, ये अगे रख के असा नहीं मंगण देना, ये शिरे बिदत, ये नवा कम कढ़िया वो ऐसा कि तू कढ़े अल्लाह दे बंदे हो। हदीस पढ़ो, मैं सामने हदीस पे पढ़ना, नबी पाक दे सामने एक ही खजूर खाने वाली शह ने हलाल ही है ना, बोलो ना हलाल ही नहीं? हाँ मटे में शक होना होंगे, खाते हो तो दबा के खाते हो, ठीक है। तो मदीने जो जाते चंगे दबाल के खाते हैं, उत्तर तो मैं वेख्या मदीने शरीफ के बाजार के अंदर पाकिस्तानी होंगे ने, तू आते ने आ जाओ बेलियो पंजाबी भाई हो, सलवार कमीज बहन सियाण लेंद पाकिस्तान भाई आ जाओ, और खाने के कोत उ बड़ा सरकार का दर है ना जी, वो ट्रेजरियां लगियां, तू आते पाकिस्तान भाई खाने चैक करने के कोई पैसे नहीं, तो बेली चैक कर नकसीर अटवा अपने आप में लुवा लेंगे। सरकार का शहर है पाकिस्तानी उत्थे ते नखरे को साडे नाल तां करना नहीं करना, वाह मेरे नाल सज्जन सी वो खा के मैं आनंद रहा, मदीने दी खजूरां नहीं ते बिल्कुल ओरिजिनल नहीं, जेन्युइन खजूरां ने पाकिस्तान दी नहीं, मैं उन्हां गुड़ ला ला के सिस्टम सीधा किया है, तो ये हजूर के शहर पाक जी तो जेन्युइन नहीं, ताकत बड़ी होंदी आ। वो करमा त्रीजी दुकान पर गया तो उत्थे जाने नकीर भग गए, मैं गया ये क्यों आंदा यार खजूरां चोखियां खा लिया ने, तो इस वास्ते आख्या वो थोड़ी दाढ़ी फ्रैशमेंट भी हो जाए, तो सरकार के शहर के मुख्य आई बात है, तो उत्थे बड़ा कम लंगर है खजूर आम है। अल्लाह ताला सारे नू लै जाए, मदीने के बाजार दी खजूर सारे जाके खाओ, एडी सोहनी दुआ दी। पर बेली आने जी आ तुसी अगे रख के कर दियो ना, ये बिल्कुल है, मैं हदीस पर अगे खजूर खाने वाली शायद अगे रख के मेरी सरकार ने ये जनाबे वाला या तो अबू हुरैरा नाम दे, अबू हुरैरा लै जा सारिया बरकत अल्लाह ही देंदा है सारिया बरकत। पहला तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला जे इन्हां दे अकीदे दे मुताबिक सही इन्हां दा मुताबिक ठीक हुंदा ते हज़रत अबू हुरैरा नूं उहदे लई जाणियां ही नहीं चाहीदियां, क्यों जी बात जदों अल्लाह ही सारा कुछ देंदा है ते फिर मस्जिद बह के तो कुरान शरीफ पढ़ के तो कोई दुआ शुआ करदे अल्लाह कोलों मंगदे, जे सारा कुछ अल्लाह ही देंदा है ते फिर उहनां नूं चाहीदा ते इह सी ना मस्जिद बह के दुआ करदे, जे आप दुआ करदे जान दे अल्लाह सुणिया तूं इहदे फिर बरकतां पा, सारियां बरकतां ते तूं ही देना है, ते जे उहनां दा सिर्फ अल्लाह दी बरकत उत्ते ही बस इत्थे स्टाप हो जांदा ते फिर अल्लाह दी बारगाह जाणा चाहीदा, मुस्तफा दी बारगाह च ना जाना चाहिए। अगर मुस्तफा दी बारगाह च गए ने ते उन्हें ये दस्या है कि साढ़े ते अल्लाह का भी फजल है ते साढ़े ते अल्लाह दे रसूल का भी फजल है, अल्लाह भी देंदा ते अल्लाह का रसूल भी अता फरमांदा है। लो जी बात अगे चोड़िए, आपने खजूरां रखियां ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुकाइयां नहीं, हटाइयां नहीं, लै जो बिदत है शिरक है ये वे नवा काम है लै जो उठा लो बिल्कुल जनाबे वाला ना, मेरे आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजम्मा हुन्ना, मेरे आका ने अंज मिलाना शुरू कर दिता, एक ही खजूर ने ऐदू पढ़ के अंज रलाना शुरू कर दिता, अंज रला के फजम्मा हुन्ना सुम्मद आली फी हिन्ना बिल्बरका, मेरे आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरां नूं अंज मिला के अग्गे रख के खजूरां उन्हां दे उत्ते बरकत दी दुआ कीती, या अल्लाह अबू हुरैरा बड़ा ईमान ते अकीदा लैके मेरी बारगाह च आया है, ए महरूम ना जाए मेरी बारगाह दे विच्चों, क्योंकि मेरी बारगाह हो बारगाह है, इस बारगाह च ते क़यामत तक भी कोई महरूम नहीं जाएगा, ए ते मेरा गुलाम है, मेरे बूहे ते
बड़ी आस लेके आया है, बड़ी उम्मीद लेके आया है, खाली हाथ ना जाए। मेरे आका ने दुआ की थी, या लय दे अंदर बरकतां ता फरमा दे। मुस्तफा करीम ने दुआ की थी, अल्लाह पाक ने एदियां बरकतां ता फरमाइया। एक ही खजूरां ते चीज ही कोई नहीं, ओ कड़मा ते बदबख्त आंदा है, ए दे ही नहीं सकदे ते इदे इकियां ते खजूरां ते दुआ हो गई है। ते कितनी देर तक सिलसिला चलता रहा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर ने फरमाया, ए अबू हुरैरा थैला लेके अगे आ। आप दे थैले दे विच इक्की खजूरां डाल दित्तियां गईयां। हजरत अबू हुरैरा आंदे न, रब्बे काबा दी कसम अल्लाह दे महबूब दी ओ बरकत दी दुआ वालियां खजूरां मैनू मिलियां। ते ऐलान करदे जांदे ने, फजअल हुन्ना फी मिज़्वदिका कुल्लमा अरत्ता अंता खुदा मिनहु शैयन। आप फरमांदे ने, रब्बे काबा दी कसम हजूर ने फरमाया है, इस थैले विच पा लै, जितनियां जरूरत पवे जितनी लोड पवे कड लवी। आपने फरमाया, इस थैले नू झाड़ना तू नहीं दे, कियामत दी सुबह तक खजूरां खत्म हो गईयां ते मैं मुहम्मद अरबी नू भाई। फरमाया एदे विच पा लै, हाथ कट के जिन्हिया की लोड़ पवी कटदा रमी झाड़ी ना, जिस खजूरा मुक गई ते मैं मुहम्मद दी अता उते शाते शाते शाते। हजूर ने अता फरमाया, तो फरमाया जी लो जी ए हाथ पा के बस कटते रहने, जिन्हें की लोड़ पवे कट लेनिया वे हाथ पाना है। फखदूह, हजूर ने फरमाया झाड़ना नहीं। ते आप फरमाते, फकद हमल तो मिन दारिका तमर कदा व कदा मिम वसक फी सबीलिल्लाह फकुन्ना नाकुलु मिनहु नुतइमु। आप फरमाते, अल्लाह दी कसम इन्ना करम हो गया मुस्तफा दा, इतना करम हो गया, इन्ना करम हो गया कि मैं आप खुद मेरे हालात माड़े सन, इतना करम होया आप खादियाँ, घर वाले खुआइया, मोहल्ले वाले खुआइया, बरादरी वाले खुआइया, दूर दूर तक लोगों को पता लगा कि हजरत अबू हुरैरा को हजूर दियाँ बरकत वाली खजूर ने। तो आप फरमाते ने कि साढ़े दरवाजे उत्ते लैन लगी रही सी, पहला अपने को कुछ नहीं सी, जिन्होंने मुस्तफा ने अता फरमा दिता है, वो बूहे तो बादशाह भी खजूर लैन वास्ते आ रहे खिदमत हो जाए। हजूर ने जिन्हों अता फरमाया ना, वो ऐलान पे कर देने, वासा कन फी सबीलिल्लाह मनो दे मन, इक्की खजूरां दी हसीयत फरमा देने, मना दे मन खजूरां मैं मुस्तफा दी अता वालियां वंड दित्तियां, पर अल्लाह दी कसम मेरियां खजूरां खत्म नहीं होईयां। वो ते इत्तेफाक दी बात है कि हजरत उस्मान ने सुन रहन दी शहादत दे मौके ते वह थैला मेरे लक तू गिर गया। तो आप लोगों के ऐलान कर दें, लोगो तुहानू एक गम है हजरत उस्मान ने सुन रहन दी मजलूम शहादत का, मैं अबू हुरैरा नू दो गम ने। उन अंदाजा करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक दी दौरे खिलाफत गुजर गया, हजरत अबू हजरत उमर फरूक दा 10 साल दौरे खिलाफत गुजर गया, कितने साल हो गए, 12 साल तकरीबन 12.5 साल हजूर सलातुसलाम दा दौरे जहरी, और उस तो बाद 12.5 साल हजरत अबू हुरैरा आप खांदे रहे, मोहल्ले नाल खवांदे रहे, बरादरी नाल खवांदे रहे, ते हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने खजूरां मुकियां नहीं, जिन्हों मुस्तफा ने दिता है उन्दे कोलो मुकदा शुकदा कोई नहीं। कारी साहब जिम्मे आते पर डोड़े ओ जिंदे कोल अपना जिन्हों शक कवे, अल्लाह की कसम सानू शक ही कोनी, सानू मुस्तफा ने इन्ना कुछ अता फरमाया कि नस्लां तक भी नहीं मुकदा, जिहड़ा मुस्तफा जिंदा अकीदा बज गया इस गल दे उत्ते, जिहड़ा इस गल उत्ते टिक गया है कि सानू जो कुछ मिलता है मुस्तफा का सदका मिलता है, तो मुड़ सदका खा के सिर्फ हराम नहीं करता, हलाल भी करता है। तो वह मुड़ लोगों को यह दसद है कि अल्लाह की कसम सानू मुस्तफा का सदका रब ने अता फरमाया, तो मिलाद करवा के दसने तेरा खां मैं तेरे गीत गावा, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। एक गल पुछनी है, इस दीवाने ने पूछो जिसने कित्थों महफल शुरू की है, कित्थे तक ले आंदी है, ये ते उस दीवाने ने पूछो जड़ा सरकार दा हर साल मिलाद करवांदा है, इस उस दीवाने को ही पूछ सकते हो, करी तनहाई बैठ के पूछो मेरे रब ने कितने कर्म फरमाए ने, मेरे रब ने कितनिया मेहरबानियां फरमाइया ने, ता हर साल सजा के आंदा तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा रसूल अल्लाह, तेरा खामा
सलामा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह ते मंगदे किया या रसूल अल्लाह अद्धी रात दा वेला हो गया है तुहाडी बारगाह विच असीं होर कुछ नहीं मंगदे रब ने कर दित्तियां ने तुसां दा मिलाद दा सदका या रसूल अल्लाह सारा कुछ रब्बे कायनात ने अता फरमा दिता है पहले भी जो मिले है सारा कुछ या रसूल अल्लाह तुहाडी अता है तुहाडा मिलाद सजा के अद्धी रात तक ए गुलाम बैठे ए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए कुछ नहीं मंगदे या रसूल अल्लाह ए तुहाडे कोल की मंगदे ने या रसूल अल्लाह तुसी तुहाडा अपना फरमाने दी शान है जेड़ा गुलाम सच्चे दिल नाल मैनू याद करदा है मैं ओदे घर अंदर तशरीफ ले आउणा मैं ओदे ते मेहरबानी फरमा देना मैं ओदे ते अपना करम फरमा देना जेड़ा मैनू सच्चे दिल नाल याद करदा है मैं देर कदी नहीं लाई या रसूल अल्लाह तुहानू वैसे करनी ने किथे करन दे विच बह के याद कीता है मुलाकात कोई नहीं हुई सामने दीदार बज़ाहिर नहीं होया सिर्फ सहाबियत नहीं हासिल कर सके मैं अज हदीस पाक पढ़ांदा प्यासा हजरत वैसे करनी ते तुसा करम नवाजी कीती ओ करण दे रहण वाला यमन दे रहण वाला सी ओ तुहाडे नाल मुलाकात नहीं कर सकया पर कमली वाले आ जिवें वैसे करनी नू नवाजिया जे ओदे घर जा जा के तुसी दीदार भी करांदे रहे हो अपनी दाढ़ी दे वाल भी गिणवांदे रहे हो अपने सर दे वाल भी गिणवांदे रहे हो या रसूल अल्लाह वैसे करनी दी तरह असी भी बदायर तुहाडा दीदार नहीं कीता मुस्तफा इतनिया सदियां बाद तुहाडा मिलाद सजा के बैठे हां कमली वाले आ कोई तेरा तैसी आवे असी मिलाद दी महफल सजा के सुन के जाके आराम करिए अख लग जाए ते कमली वाले आ तुहाडा दीदार नसीब हो जाए जगाओ पाग मेरे भी अब बादी कसमे ए कबूलियत वालियां घड़ियां ने जेड़ा पूरे लगन नाल पड़ेगा इश्क नाल पड़ेगा प्रीत नाल पड़ेगा तसव्वुरे गुंबदे खजरा सामने रख के पड़ेगा मेरा ईमान कहंदा है मेरा यकीन कहंदा है मुस्तफा ने कदी देर लाई नहीं जगाओ पाग मेरे भी अब आयो अबू अयूब अंसारी ते की करम होया सी जदों मेरे आका मदीने शरीफ तशरीफ लै गए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद सुन के मदीने वाले बड़े बड़े वडेरियां लोगा अपने घर सजा ले अपनियां कुटियां सजा लिया अपनियां कोठियां सजा लिया हजरत अबू अयूब अंसारी दी बीवी आंदी है ओए उठ अबू अयूब अगर साडी कुल्ली माड़ी है ते कोई गल नहीं अगर कमली वाला गरीबां दा पराणा बणिया अगर कमली वाला गरीबां नूं नवाजदा रहा अगर कमली वाले दी गरीबा ते निगाह हुई अगर कमली वाला गरीबा ते यतीमां दा सहारा बन के आया ते मदीने शरीफ दे अंदर सब तू गरीब ते माड़ी कुल्ली साडी है अगर अमीरां दा नबी बन के आया सिर्फ ते फिर किसे अमीर दे घर जाके डाची रुकेगी अगर ऐ अबू अय्यूब ओ गरीबा दा सोना पराना बनया पूरे मदीने शरीफ चू ससी गरीबा असी माड़े हां साडी कखां दी कुल्ली है या रसूल अल्लाह साडे ते करम फरमा छड़िया ते उठ ना घर सजाइए अल्लाह दी कसम उठ ते सही हीला ते कर हजरत अबू अय्यूब अंसारी दी बीवी कहंदी उठ ते सही हजरत अबू अय्यूब अंसारी आंदे ने करमा लिए ओ कायनात दा दूला वे सारी कायनात सारे नबियां दा इमाम है जिंदे पिछे 1,24,000 रसूलां ते नबियां ने नमाज पढ़ी है जेड़ा शबे असरा दा दूला वे जेड़ा सारी कायनात दा इमाम बन के आया वे ओ साडे मस्कीना वल किस तरह आ सकदा है साडे गरीबा वल हो सकदा है साना तवज्जो फरमाए लेकिन बीवी आंदी है ओए उठ सही करमा वाले आ घर सजा के ते वेख हो सकदा है मुस्तफा दी निगाह साडे ते पै जाए साडा बेड़ा पार हो जाए सुभान अल्लाह
सारे मदीने वाले ने घर सजाए सन अपनी अपनी असीयत मुताबिक देवाकर, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम सारे अमीर ते गरीब इकट्ठे होके सरकार दे सामने आए। हर किसे दा दिल करदा सी सवारी साडे घर अंदर आवे, हर किसे दा दिल करदा सवारी साडे बूए ते आवे, पर मुकद्दरा तू कुर्बान जावा अबू अय्यूब अंसारी, तेरे मुकद्दरा नू सलामी पेश करना वा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा जो मदीने अंदर सवारी गई, मेरे मुस्तफा ने फरमाया सवारी दियां वागां छट दे वो, ए सवारी ए अल्लाह ताला दे हुकम दे नाल चल दिए, ए मामूर मिन अल्लाह मेरे रब दे हुकम नाल चल दिए, जिथे मेरे रब दा हुकम होवेगा सवारी उथे ही बवेगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हो घर सजा के बीवी नू नाल इंतजार वास्ते मुंतजर बैठे ने। हो सकदा है कमली वाला गरीबां दा परोणा बनेया ते फिर साडा परोणा बनेगा। हजूर दी सवारी दा इंतजार पे करदे ने ते ए पे आंदे ने, खुली रखिए मैंने ना वाली बारी, उड़ीक मैनू मदनी दी, खोल लीए ओ मुहब्बत नाल इसरार पढ़े हजूर दे नात पढ़े इंशाल्लाह, जिवें हजरत अबू अय्यूब अंसारी ते करम नवाजी होई सी इंशाल्लाह साडे ते भी हजूर करम फरमाणगे। ओ खुली रखिए मैंने ना वाली बारी, या रसूल अल्लाह घर सजा के और कुछ नहीं मंगदे, खुली रखिए मैंने ना वाली बारी, मदनी दी कुली रखिए मैंने नवा लिबारी, उड़ीक मैनू मदनी दी। पढ़ लो पढ़ लो, हो सकता है महबूब दी करम नवाजी हो जाए, मेरे आका दी तवज्जो इधर भी हो जाए। खुली रखिए मैंने नवा लिबारी, मदनी दी कुटकुली रखी बारी, उड़ीक मैनू मदनी दी, कदों आवेगी आका दी सवारी, उड़ीक मैनू माही दी, आका कदों वारी, उड़ीक सानू मदनी दी, खुली रखिए मैंने ना वाली बारी, उड़ीक मैनू माही दी। या रसूल अल्लाह जिवें करम नवाजी फरमाइए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी दे उत्ते करम फरमाया जे, जदों उन्हां उत्ते मेहरबानी फरमाइए सवारी चलदी चलदी हजरत अय्यूब अंसारी दे घर सामने आके बैठ गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला नूं अपने मुकद्दरा ते रश्क पे करदे ने, खुशी दे आंसू बहांदे ने, बीवी दियां अक्खां विचों खुशी दे आंसू जारी ने, महबूब दी सवारी दे सामने खड़िया होके हथ बन के अर्ज करदे ने, कमली वाले आ असीं ते समझिया सी तुसीं इमाम आओ, तुसीं 1,24,000 नबियां ते रसूलां दे इमाम हो, तुसीं शबे असरा दे दूल्हा हो, हो सकदा किसे वडेरे दे घर अंदर जाओ, पर कमली वाले आ साडा ईमान ते यकीन पहले ही बड़ा पुख्ता सी, पर सानू पक्क हो गया है कमली वाला अमीरां नू नवाज दे ही नवाज दे, पर गरीबां ते चोखियां मेहरबानियां फरमांदा है। ता मैं आंदा प्यासा जगाओ बाग मेरे भी अब आयो, मुकद्दर यो सदा कित्थों लयावां या रसूल अल्लाह। हजरत अबू अय्यूब
अंसारी दे उत्ते पूरा मदीना शरीफ रिश्क प्या करदा है, रिश्क दे खुशी दे आंसू प्या बहांदा है। बाबू अयूब अंसारी तेरे मुकद्दरा तू कुर्बान जावां। रात मुस्तफा ने हजरत अबू अयूब अंसारी दे घर अंदर गुजारी, जिस तरह दे लंगर पेश कीता मेरे मुस्तफा ने कबूल फरमा लिया। रात हो गई, कमली वाले एक की कुल्ली सी थल्ले छत दे थल्ले मेरे मुस्तफा आराम पे करदे ने। मेरे मुस्तफा दे नौकर मियां बीवी छत ते चढ़ के ते छोटी जी जुलानी बनाई हुई है उत्ते चढ़े ते सख्त बारिश शुरू हो गई, बारिश बसना शुरू हो गई। मंदिर वेखो आशक दा, रात बारिश हुंदी पई है, थल्ले कुल्ली दे मुस्तफा पे आराम कर दे। ते जदो हजरत अबू अयूब अंसारी आंदे ओ करमा वाली ये मुस्तफा गरीबा दे घर आते गए ने, पर मुस्तफा दे उत्ते मी वस गया ते साडे तू साडे मुकद्दर किस तरफ चले जाणगे, फिर साडे ते की बीतेगी। मुस्तफा दे आराम अंदर खलल आ जाएगा। मेरे मुस्तफा कदम दा सफर पे करदे ने, ऐ अयूब अंसारी हुण की करिए बारिश आ गई है। आप फरमान करमा वाली ये जड़े बिस्तरे है नी लै के छत उत्ते बैठ गए ते छत उत्ते सारी रात अपनी कमर दे उत्ते बारिश चलदे रहे ते नचोड़ जोड़ के छत तू पानी थल्ले गिरांदे रहे। साडे नबी पाक दे आराम अंदर खलल ना आ जा। एडा इश्क साहबा नू दूर दे नाल हजूर ने करम नवाजी फरमाई है। हजरत अयूब अंसारी दे उत्ते अज भी जाके वेखो नसना हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु दीआं खुशहाल वस्तियां ने, और मदीने शरीफ दे अंदर अज भी वो खानदान मौजूद है हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु दा, जिथे मेरे आका दी सवारी जाके रुकी सी। इतने मुकद्दर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली। टाइम पूरा नहीं हो गया? हो गई है। तो हजूर अकरम नूर हजूर का जिक्र है, जितना भी लंबा करिए लंबा होंदे ही जाना है। अल्लाह दी बारगाह दुआ है रब तआला तुहाडी मेरी हाजरी कबूल फरमाए। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, ये उनकी फरमाइश ही हूँ। मैं तो वैसे अपने बस कर बैठा था। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, महफिलों का सिला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए।